विश्रम सापना सुप्रभात दोपहर और शिक्षिका आज कक्षा सात के छात्र असेंबली मना रहे हैं। पहले प्रार्थना से शुरू की स्कूल सापना विश्रम सापना प्रार्थना हमारे मन पर एक शक्ति और विश्वास आया है और हम अपने देश के प्रेरित द्वारा प्रतिज्ञा करते हैं। प्रतिज्ञा स्कूल सावधान विश्राम सावधान प्रतिज्ञा। भारत हमारा देश है, हम सब भारतवासी भाई बहन हैं। हम अपने देश प्राणों से भी प्यारा है, प्रतिज्ञा करते हैं कि कल्याण और साबरमती में ही माधव को बुला रहे हैं। माधव नमस्कार दोस्तों, आज का संदेश आप ही स्वयं आप स्वयं ही अपने भाग्य के निमरदा है, आप स्वयं ही अपने भाग्य के निमरदा है। धन्यवाद धन्यवाद माधव। ये छोटे संदेश बहुत बड़ों ने अनुभव किया है, इसलिए एक नए शब्द के लिए सूर्य को बुला रहे हैं। सूर्य नमस्कार, आज का नया शब्द समाचार अर्थ न्यूज, हमने समाचार पत्र पढ़ा। धन्यवाद धन्यवाद सूर्या। और एक भाषण के लिए मैं मतिया को बुला दिया। आदरणीय अध्यापकों और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको मेरे नमस्कार। आज मैं यहाँ हिंदी दिवस के लिए कुछ पेश करना चाहता हूँ। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, यह भाषा हमारी संस्कृति और संस्कारों की पहचान है। हिंदी भाषा पूरी दुनिया में बोलने जाने वाले से सबसे सरल और सुगम भाषा है। यह हर साल 14 सितंबर को हिंदी भाषा बनाया जाता है। हिंदी भाषा भारत देश का गौरव और एकता का प्रतीक है। हमें हिंदी भाषा का आदर तथा सम्मान करना चाहिए। आप सबको हिंदी दिवस का शुभकामनाएं। धन्यवाद धन्यवाद। और एक गीत गीत और हमारे मन के बीच बहुत बड़ी विशेषता है, वो हमें शांति और सुख रखती है। तो गीत गाने के लिए मेरे कुछ दोस्तों को बुला रहा हूँ। Respected teachers and my dear students, good morning. How was the assembly? Did you understand? Yeah. Before that, just to check their uniform, are they perfect? Which class it is? So thank you, ma'am. It was a very nice presentation. Moreover, their uniform also, even their hairstyle, hijab, shoe, that everything was perfect. So first of all, give me one more. Give them to the applause, because that much perfect it was. Because nowadays raining, then also they are coming with a proper uniform. So my dear children, that's the first thing I have to tell you.